हाय, दिस इज़ रुचि शाह। वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है रेड थाई करी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज हम यहाँ पे रेड थाई करी पेस्ट बना रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम थाई करी का एक पेस्ट बनाएंगे। एक जार में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे, इसमें वाइट पेपरकॉर्न ऐड करना है, बट मेरे पास ऑलरेडी वाइट पेपरकॉर्न का पाउडर है। तो पहले हम इन दोनों चीज़ों को पीस लेंगे अच्छे से। अच्छे से इसे मैंने पीस लिया है। अब इसी पाउडर में हम 1.5 स्पून जितना वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ये पाउडर तो हमारा रेडी हो चुका है। अब थाई करी पेस्ट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। एक जार में हम यहाँ पे 8 to 10 ड्राई रेड चिलीज लेंगे, जिसे मैंने अच्छे से आधे घंटे के लिए गर्म पानी में सोक कर लिया था। अब मेरे पास यहाँ पे धनिया के डंठल है, जो धनिया पत्ती होती है उसके नीचे के जो डंठल है उसको मैंने अच्छे से क्लीन करके, वॉश करके फाइनली चॉप कर लिया है। अब इसमें हम लेमन ग्रास ऐड करेंगे। लेमन ग्रास बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है और इससे बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। अब मैंने यहाँ पे नींबू के छिलके लिए हैं, जो नींबू रहता है उसके ऊपर के कवर जो रहता है स्किन, वो मैंने लिए हैं, वो ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है ज़्यादा पतला नहीं बनाना है आपको इसे, सो आपको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है पानी ऐड करके। इसे मैंने पीस लिया है। जो पाउडर पहले हमने पीसा था वो अब इसमें ऐड करके एक बार इसे फिर से हम पीस लेंगे। आप इस पेस्ट को 1 से 1.5 हफ्ते तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी कर सकते हो। आपको सिर्फ इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रखना है। पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम थाई करी कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कोकोनट मिल्क है। 100 ml जितना कोकोनट मिल्क हम ऐड करेंगे। हमें इसमें टोटल 500 ml जितना कोकोनट मिल्क लगेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ 100 ml ऐड करेंगे। अच्छे से इसमें एक बॉईल आने देंगे हम। इसमें एक बॉईल आ चुका है। जो पेस्ट हमने बनाई थी वो इसमें हम ऐड करेंगे। अभी 1.5 चम्मच ऐड करेंगे हम। तब तक इसे हमें स्टर करते रहना है जब तक कि कोकोनट मिल्क अपना फैट ना छोड़ दे इसमें। आप देख सकते हो साइड से मिल्क हमारा फैट छोड़ रहा है और थोड़ा सा ग्रेवी भी थिक हो चुका है। अब इसमें हम बाकी का मिल्क भी ऐड कर देंगे। 500 ml जितना हम पानी ऐड करेंगे। इसे हम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक होने देंगे। अगर ग्रेवी में आपका रेड कलर नहीं आ रहा है तो इट्स ओके। टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इस स्टेज पे हम कुछ वेजीज ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बेबी कॉर्न ऐड करेंगे। बेबी कॉर्न को कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है बाकी वेजिटेबल से, तो इसे पहले हम कुक होने देंगे ग्रेवी में। अब इस स्टेज पे हम बाकी के वेजीज ऐड करेंगे। ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, जुकिनी। ग्रेवी को हमें अच्छे से 8 से 10 मिनट तक और कुक करना है। इस स्टेज पे आप सॉल्ट की कंसिस्टेंसी भी टेस्ट कर सकते हो।
अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हो। आप इसमें ड्राई रेड चिलीज़ के साथ कश्मीरी चिलीज़ भी ऐड कर सकते हो, तो उससे आपका कलर थोड़ा एनहांस हो जाएगा। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे फ्रेश बेजिल ऐड करेंगे। बेजिल आपको लास्ट में ही ऐड करना है सो दैट उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आएगा। 3 से 4 मिनट तक और कुक होने देंगे हम। रेड थाई करी हमारी रेडी है टू सर्व।